हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर। देखिए, आपके 23 अगस्त से आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, कांस्टेबल के, और 31 अगस्त तक वो चलेंगे। तो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो कैब में, सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो आ रही है पर्यायवाची में। कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, जो साथी जो है मैसेज कर रहे हैं, सर पर्यायवाची वो कैब इतनी सारी हमने रट के फेंक दी है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हमसे जब भी पर्यायवाची है, तत्सम तद्भव है, विलोम शब्द है, शुद्ध वर्तनी है, और ये सब चीज हमसे क्या हो रही है, गलत हो रही है, ठीक है। तो आज हम क्या है, आपका जो एक सरदर्दी है, जो एक आपके जो समस्या है, उसका आज समाधान कर देते हैं। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची। देखो, ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, और ये मैंने जब बनाए थे जब मैं यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुआ था, और इसी से मैंने क्या है, इसी से मैंने यूपीएसआई का भी एग्जाम दिया था, ठीक है, अच्छा खासा स्कोर किया था, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी 2 बार एग्जाम दिया है, ठीक है। इसमें देखो, जो चीज बढ़ती गई उन्हें मैं जोड़ता गया हूं, ठीक है। ये अपने आप में कंप्लीट है भाई। आप इस क्लास को लीजिए, उसके बाद बताइए, चाहे तो कोई मॉक टेस्ट उठा के देख लीजिए, या कोई प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, या फिर अब आपका एग्जाम आएगा, जो मेन एग्जाम आएगा उसको उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो आप अपना जो एग्जाम जो पेपर है वो मैच कर लीजिए और बता दीजिए कि सर इसमें से क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए, ठीक है भाई। देखो, बिना समय जाया के सब शुरू करते हैं। सबसे पहला है, देखो, सबसे पहला है अमृत। अमृत के पर्यायवाची देखेंगे। अमृत का होता है अमी, मधु, जीवनोदक, सुधा, सोम, पीयूष और सुरभोग। कौन कौन से होते हैं? अमी, मधु। अगला है आकाश। आकाश का पर्यायवाची होता है शून्य। आकाश का क्या होता है? शून्य। अभ्र, नाक, देखिए बहुत बार पूछा गया है। फलक, फलक तक चल साथ मेरे, याद होगा। तो कहां की बात कर रहा है? आसमान की बात कर रहा है। दयु, धौ, पुष्कर और अनंत, ठीक है। आकाश का कोई अनंत नहीं है, ठीक है। कैसे याद करेंगे? शून्य, अभ्र, नाक, फलक, दयु, धौ, पुष्कर और अनंत। ये क्या हो गए? ये किसके हो गए? ये हो गए आकाश के, ठीक है। अगला है आम। आम का बहुत बार पूछा जाता है। आम का होता है सहकार। आम का सीजन चल रहा है। सहकार, पियम्बू, पिक बंधु, मधुरासव, पिक प्रिय और पिक वल्लभ। सहकार, पियम्बू, ठीक है, पिक बंधु, ठीक है, मधुरासव। आम में क्या निकलता है? मधुर जूस निकलता है, मधुरासव, पिक प्रिय और पिक वल्लभ, ठीक है। ये होते हैं आम के। अगला है आंख का, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। आंख का होता है अंबक, ईक्षण और प्रेक्षण। ईक्षण कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ईक्षण किसका पर्यायवाची है? ये आंख का है। किसका क्या क्या है? आंख का, अंबक, ईक्षण और प्रेक्षण, ठीक है। ये जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला है हमारा इच्छा। इच्छा का देखो क्या होता है। इच्छा का होता है वाच्छा, मनोरथ, स्पृहा, लिप्सा। बहुत बार पूछा जाता है, स्पृहा भी बहुत कई बार पूछा गया है। अभिलाषा, अभिलाषा, आकांक्षा, उत्कंठा, रुचि और तृष्णा। ये किसके हैं भाई? ये हैं आपके किसके? इच्छा के हैं। ये किसके हैं? ये इच्छा के हैं सभी, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। इंद्र का है सुरेंद्र। आपके गांव में कोई हो तो उसे जोड़ सकते हैं। सुरेश, सहस्राच, अमरपति, अमरपति। अगला है पुरहूत, पुरहूत, सुरपति, सचीपति, सक, पुरंदर, कौशिक, देवराज। ये किसके हैं? इंद्र के। दोबारा देखेंगे, देवराज, वज्रधर, विभुधेश, विभुधेश, जिष्णु, मध्वा, शतऋतु, देवेंद्र और वासव। ये सारे किसके हैं? इंद्र के हैं। जब भी देखो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। देखेंगे दोबारा से क्या क्या है। देखो क्या क्या है, सुरेंद्र, सुरेश, सहसराज, अमरपति, अमरपति, इंद्र भाई अमर है, पुरोहित, ठीक है, सुरपति, ये उनकी, सचीपति, सक, पुरंदर, कौशिक, देवराज, वज्रधर,
विभुदेश, जिष्णु, मध्वा, शतऋतु, देवेंद्र और वासव, ये क्या है? ये सभी किसके हैं? ये इंद्र के हैं, ठीक है? ये किसके हैं? इंद्र के हैं। अगला है कमल। देखो कमल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देखेंगे कमल का, देखेंगे कमल, कमल का है कुशेष्य, बहुत बार पूछे जाते हैं कमल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुशेष्य, अब्ज, पंखरुहो, ये अब्ज, अब्ज, पंखरुह, पाथोज, सारंग, कुवले, सरसिज, सतदल, सरसीरुह, अंभोज, वारिज और कोकनद। कोकनद बहुत बार पूछा गया है, वारिज पूछा गया है, कुवले पूछा गया है, ये सारे जितने पूछे गए हैं, ठीक है? कमल का एक बार देखेंगे, कुशेष्य, अब्ज, पंखरुह, पाथोज, सारंग, कुवले, सरसिज, सतदल, सरसीरुह, अंभोज, वारिज और कोकनद, ये किसके हैं? कमल के हैं। कल्पवृक्ष, जो कि कल्पवृक्ष भी बहुत बार पूछा गया है, देखो कल्पवृक्ष का सुरतरु हरिचंदन, कल्पवृक्ष का क्या है? सुरतरु हरिचंदन, कल्पद्रु, कल्पसाल, कल्पद्रुम और देवद्रुम। एक कॉपी पेन लेकर बैठी है और इन्हें सभी अपने अपने हाथ से नोट करोगे ना तो आधे से ज्यादा आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे, उसके बाद एक बार रिवीजन कर लो, बाकी सारे याद हो जाएंगे, ठीक है? कल्पवृक्ष का सुरतरु हरिचंदन, कल्पत्रु, कल्पसाल, कल्पद्रुम और देवद्रुम, ये किसके हैं? कल्पवृक्ष के हैं। किसके? कल्पवृक्ष के। आगे देखेंगे कामदेव, अगला है कामदेव। कामदेव का देखो क्या है? पंचसर। कामदेव का क्या है? पंचसर, इसमर, मनसिज, मनमथ, मीन केतु, मीन केतु, कंदर्प बहुत बार पूछा गया है, रतिपति, ये भी बहुत बार पूछा गया है, रतिपति किसका है? कामदेव। और प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न, पंचसर, इसमर, मनसिज, मनमथ, मीन केतु, कंदर्प, रतिपति और प्रद्युम्न, ठीक है? ये किसके हैं? कामदेव के हैं। अगला है कार्तिकेयन। कार्तिकेयन समझ रहे हो गए आप, भगवान श्री गणेश के भाई। कार्तिकेयन के हैं कुमार। कार्तिकेयन का पूछा जाता है षडानन, बहुत बार पूछा गया है कि षडानन किसका, जो पर्यायवाची है, एक है सर्वभव और एक है स्कंद, ये किसके हैं भाई? कार्तिकेय। कार्तिकेय का कुमार, षडानन, सर्वभव और स्कंद। अगला कुबेर। कुबेर से भी पूछा जाता है, कुबेर का यक्षराज, किन्नरेश और अलंकेश। अलंकेश पूछा गया है, ठीक है, यूपीएसआई में, किसका है? कुबेर के यक्षराज, किन्नरेश और क्या है आपका? अलंकेश, ये किसके हैं? कुबेर के हैं। अगला देखेंगे, अगला है कोयल का, अगला है कोयल का। कोयल का है देखो मदन सलाका, कोयल का बहुत बार पूछा जाता है, कोयल है मदन सलाका, कलघोष, वसंत दूत। जब वसंत आ जाता है, जब जो कोयल बोलने लगती है तो क्या है? वसंत दूत, वसंत आ गया। कोकिल, कोकिल, पिक और श्यामा, क्या क्या है? मदन सलाका पूछा गया, मदन सलाका, कलघोष, 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 वसंत दूत, कोकिल, पिक और श्यामा, और श्यामा, ठीक है? अगला देखेंगे, अगला है कृष्ण का। कृष्ण का क्या है? नंद नंदन, नंद नंदन, जन्माष्टमी आने वाली है, ठीक है? नंद नंदन, ऋषिकेश, मुकुंद, दामोदर, दामोदर, लंबोदर होता है किसका? श्री गणेश का, दामोदर, क्षीरसाई और कंसारी, कंस को मारने वाले, कंसारी, ठीक है? कंसारी, कंस से समझ रहे होगे, क्षीरसाई, क्या नाम है? नंद नंदन, ऋषिकेश, मुकुंद, दामोदर, क्षीरसाई और कंसारी, ठीक है? ये किसके हैं? कृष्ण के। अगला गणेश के, गणेश के दव्यत्रज, दव्यत्रज, ठीक है? वक्रतुंड, हैरंब, द्वैमातुर, द्वैमातुर, गौरीसुत और मोदक प्रिय, मोदक प्रिय, दव्यात्रज, वक्रतुंड, हैरम्ब, द्वयमात्र, गौरीसुत और मोदक प्रिय, ये किसके हैं भाई? ये हैं भगवान श्री, भगवान श्री गणेश के, ठीक है? आगे चलते हैं, अगला है, आगे ग्रह, ग्रह, ग्रह मतलब घर। ग्रह का क्या है? आगार, निलय, गेह और ओक, ये किसके हैं? ओक पूछा गया है, ध्यान रखना। ग्रह
ग्रह के क्या है? आगार, निर्लय, गेह और ओक। ठीक है, अगला है हमारा गरुड़। गरुड़ का क्या है? देखो गरुड़ के बहुत बार पूछा जाता है, पन्नगारी, पन्नगारी, उर्गारी, सुपर्ण, सरपारी। देखा ना, गरुड़ जो है सर्प को खाता है, सरपारी, खगेश, खगेश, हरियान, हरि यान, वातने, जो हवा से बातें करता हो, बाज की नजर जो कहते हैं ना, वातने, खगपति, खगपति और वगेश्वर। और क्या है? वगेश्वर, पन्नगारी, उर्गारी, सुपर्ण, सरपारी, खगेश, हरियान, वातने, खगपति और वगेश्वर। ये किसके हैं भाई? गरुड़ के। अगला गधा। गधा का एक ही पूछा जाता है, रासब। गधा का क्या पूछा जाता है? रासब पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब दूसरी साइड आएंगे पेज की। अगला है हमारा, देखो हमने इंद्र का देखा था, इंद्र का देखा था, अब देखेंगे हम इंद्र का। देखो ये देखा था, अब देखेंगे ऊपर लिख रहा है इंद्राणी। इंद्राणी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंद्राणी क्या होता है? एक होता है सची। क्या होता है? सची, सची, यहां लिख रहा है सचीपति। इंद्राणी का दूसरा नाम क्या था? सची। इंद्रा, इंद्रा मतलब इंद्र की पत्नी। पुलोमजा, क्या है? पुलोमजा, पुल, पुलोमजा। ठीक है, आगे देखेंगे, मधावानी, सतावरी और पोलोमी। ये पूछा गया, ध्यान रखना, सची, इंद्रा, पोलोमजा, मधावानी, सतावानी, पोलोमी। ठीक है, ये क्या है? किसके हैं? इंद्राणी के हैं, इंद्र की पत्नी। अगला गंगा। देखो गंगा का बहुत बार पूछा जाता है, गंगा का देखते हैं। अगला देखें गंगा। गंगा का होता है जाह्नवी। जाह्नवी, सुरधुनी, देवपगा, देवपगा, विष्णुपदी, विष्णुपदी, भागीरथी, सुरसरी, देवसरी, त्रिथगा, सॉरी त्रिथगा, सुरधुनी। अगला देखेंगे, दोबारा देखेंगे गंगा का जाह्नवी। जाह्नवी बहुत बार पूछा गया है, सुरधुनी, देवपगा, विष्णुपदी, भागीरथी, सुसरी, देवसरी, त्रिथगा और सुरध्वनि। ये किसके हैं? गंगा के। ठीक है, अगला है चांदनी। चांदनी का होता है हिमकर, हिमकर। ठीक है, समझ रहे होगे आप, कला निधि, हिमकर, कला निधि, अमृत। बहुत बार पूछा जाता है अमृत किसका होता है? चांदनी का। जुन्हाई, क्या? जुन्हाई, कोमुदी, कोमुदी, ज्योत्सना, दोनों बहुत बार पूछे गए हैं, कोमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, चंद्रमरीचि और अमृत तंग, अमृत तरंगड़ी। दोबारा देखेंगे चांदनी के, हिमकर, कला निधि, अमृत, जुनाई, कोमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि और अमृत तरंगड़ी। ये किसके हैं भाई? चांदनी के। अगला देखेंगे चांदनी के साथ ही चंद्रमा, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रमा से।